वैदिक सभ्यता। इससे पिछले वीडियो हमने आपको बताया कि वैदिक सभ्यता के दो भाग कर दिए, यानी दो भागों में बांट दिया उसको समझने के लिए। तो एक थी पूर्व वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो यहां देखिए उत्तर वैदिक काल के बारे में इस वीडियो में बताएं, क्योंकि ऋग वैदिक काल जो था यानी पूर्व वैदिक काल, उस सभ्यता से लेकर के तब से लेकर के उत्तर वैदिक काल आते आते लोगों के जो आर्य जो लोग थे उनमें व्यवसाय में, कृषि में, व्यापार में, रहन सहन में हर प्रकार से परिवर्तन हो चुका। और जब परिवर्तन ही हो गया तो वहां फिर जैसे ऋग्वेद काल में वो जो कार्य करते थे उससे अधिक परिवर्तन किसमें हो गया, उत्तर वैदिक काल में हो गया। कृषि करते उसमें परिवर्तन आ गया, रहन सहन में आ गया। इसलिए सुविधा की दृष्टि से यहाँ इसके दो भाग कर दिए, एक तो पूर्व वैदिक काल जिसको ऋग वैदिक काल भी कहते हैं, उसके बाद में उत्तर वैदिक। तो यहां देखिए सबसे देखो यहां परिवर्तन, आपको बताया कि वैदिक काल में सबसे प्रिय देवता इंद्र थे, कि ऋग वेद में सबसे प्रिय जो देवता थे वो कौन थे, इंद्र थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में प्रजापति प्रिय देवता हो गए। तो यहां देखिए उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में जो प्रिय देवता हुए वो हो गए प्रजापति। इसलिए इस सभ्यता को दो भागों में बांटा, तो ये वैदिक काल में जो प्रिय देवता हुए वो तो हुए इंद्र, लेकिन उत्तर वैदिक काल में कौन हो गए, प्रजापति। ऋग्वेद में आपने जो ये सुना है में तीन पगों का आख्यान, बले वसुधाम याचते, यानी बले से पृथ्वी मांगता है, भूमि मांगता है, उसने तीन पग कि मेरे को जमीन दे, उसका जो वर्णन है वो भी उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। उत्तर वैदिक काल में राज्य अभिषेक के समय जब राजा के राज तिलक कर उसका राज्य अभिषेक करते थे, तो उस समय राज सूजा करने की परंपरा प्रचलित हो गई। यानी राज्य अभिषेक के समय, राज अभिषेक के समय जो व्यवस्था थी वो उनकी राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ का प्रचलन हुआ। कि राज अभिषेक के समय राजसूय यज्ञ प्रचलन हुआ, कि राजसूय यज्ञ करेंगे, यानी किसी भी राजा का जब राज्य अभिषेक होगा तो वहां कौन सा यज्ञ करते थे, वो राजसूय यज्ञ। और ये बात उत्तर वैदिक काल में शुरू हो चुकी। उसके बाद में जो वर्ण व्यवस्था थी, यहां देखिए आपको बताया कि ऋग्वेद काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म आधारित न होकर कर्म के आधारित, यानी वर्ण चार थे समाज में, लेकिन वो चार वर्ण कर्म के अनुसार बने हुए थे, ये बात ऋग्वेद काल में प्रचलित थी। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल शुरू हुआ वहां वर्ण व्यवस्था में जो परिवर्तन आया वो था कि वर्ण व्यवस्था व्यवसाय के आधार पर न होकर जन्म के आधार पर हो गई। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है, यानी वर्ण व्यवस्था ऐसी हो गई थी जन्म आधारित हो गई थी। तो ये समझने की बातें हैं कि वर्ण व्यवस्था कैसे जन्म आधारित हो गई थी। उसके बाद में हल को सिरा कहते थे और हल रेखा को सीता कहते थे, यानी उत्तर वैदिक काल में जो हल था हल को कहते थे सिरा और हल रेखा को सीता कहते थे। ये उत्तर वैदिक काल में शब्द है।
ये जो हल है हमको क्या कहेंगे, सिरा कहेंगे और हल रेखा को सीता कहेंगे। मुद्रा निष्क और सतमान, उत्तर वेदी काल में जो मुद्रा थी, मुद्रा यानी पैसे, वो निष्क और सतमान थी। क्या थे? सतमान। तो ये उत्तर वेदी काल में परिवर्तन आए, क्योंकि ऋग्वेद काल से बाद में जो समय आया वो उत्तर वेदी काल का था। और उत्तर वेदी काल में हम देखिए एक बार आपको पूरा समझा रहे हैं कि उत्तर वेदी काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति प्रिय देवता हो गए, राज्य अभिषेक के समय राजसू यज्ञ करना है, जो भी राजा बनेगा उसको सबसे पहले क्या करना है, राजसू यज्ञ करना है। वर्णवस्था जो ऋग्वेद काल में वर्णवस्था थी वो कर्म आधारित थी, लेकिन उत्तर वेदी काल के आते आते वो क्या हो गई, जन्म आधारित हो गई, कि जन्म से क्या हो जाएंगे, वो वर्णवस्था परिवर्तन कर दिया। उसके बाद में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। और वहां जो मुद्रा थी, मुद्रा थी निष्क और सतमान, क्यों प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि निष्क और सतमान जो मुद्रा की इकाई थी, लेन देन के लिए जो पैसे थे वो निष्क और सतमान किस काल की है, तो वो उत्तर वेदी काल। तो ये हमने आपको उत्तर वेदी काल के बारे में बताया। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करें।